हेलो, यह वीडियो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पर है। एन इंटरनेशनल एनवायरनमेंट ट्रीटी सीकिंग टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस टू प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग। बेसिकली क्या है कि यह पर्यावरण संधि है या यूनाइटेड नेशन का एक प्रोसेस है ताकि जो किसी समझौते पर पहुंचा जा सके। इसका उद्देश्य क्या है कि जो खतरनाक गैसेज हैं जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही हैं उसको सीमित किया जा सके। तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कह सकते हैं, ये संयुक्त राष्ट्र की एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, ये संधि आप कह सकते हैं। जेनेसिस कब हुई? 1992 में इसको इस पर हस्ताक्षर किए गए थे एट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, आल्सो नोन एज द अर्थ समिट, पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं इसको। यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट को जो है अर्थ समिट भी, पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। पृथ्वी सम्मेलन थोड़ा सा ज़्यादा फेमस है और ये रियो डी जेनेरियो में हुआ था ब्राज़ील में 1992 में। यानी कि पृथ्वी सम्मेलन के समय यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज अस्तित्व में आया। इसकी जो सचिवालय है जर्मनी में बॉन में है और भारत समेत सहित इसमें जो है 198 मेंबर्स है। इसके द्वारा कुछ मुख्य समझौते किए गए हैं, समझौते हुए हैं, वो कौन कौन से हैं की एग्रीमेंट्स इसमें दो डिस्कस किए हैं, पेरिस एग्रीमेंट और क्योटो प्रोटोकॉल। पेरिस, ये इसको 2015 में ग्रहण किया गया, स्वीकार किया गया और ये कानूनी रूप से लीगली बाइंडिंग है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य बेसिकली इसका गोल क्या है? टू कीप द ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल। इसका मतलब क्या हुआ कि वैश्विक औसत तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री कम रखना है और साथ ही साथ इस बात का भी प्रयत्न है कि जो तापमान में वृद्धि हो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक उसको सीमित रखना है। ये है इसका। अच्छा, क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो ये जापान में है शहर, वहाँ पे ये हुआ था, इसको अडॉप्ट किया गया था 1997 में और ये लागू हुआ, एंटर इनटू फोर्स यानी कि केम इनटू फोर्स 2005 में, 2005 में लागू हुआ। और इस प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत क्या है कि जो औद्योगिकृत कंट्री हैं या इकोनॉमिक ट्रांजिशन है, संकरणकालीन अर्थव्यवस्थाएं हैं, औद्योगिकृत संकरणकालीन अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनको सीमित करना था, लिमिट एंड रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज इमिशंस जो हैं, जो उत्सर्जन हो रहा है ग्रीन हाउस गैसेज का, जो इमिशंस हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, उसको सीमित करना और कम करना था इन अकॉर्डेंस विद एग्रीड इंडिविजुअल टारगेट्स। इसका मतलब यह है कि इसमें कोई कॉमन टारगेट नहीं था, जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्री हैं उनके लिए अलग अलग टारगेट फिक्स किए गए थे कि आपको 8% करना है, आपको 7% करना है, आपको 6% रिडक्शन करना है, ये मतलब है इसका। ओके,